मध्य प्रदेश के बैतूल में एक निजी स्कूल में अपने आप गिरने से बेहोश हुए छात्र की मौत हो गई। परिजनों का कहना था कि जब वो स्कूल गया तब बिल्कुल स्वस्थ था, पता नहीं ये कैसे हुआ। जबलपुर के पडरिया गांव में एक शख्स ने अपनी ही पत्नी को जिंदा जलाने का प्रयास किया। इस घटना में महिला करीब 70% जल गई, जिसे 108 से तत्काल विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरादाबाद के कॉस्मोस अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल पर पैसे लेकर इलाज न करने के संगीन आरोप लगे हैं। सपा के कद्दावर नेता आजम खान पर बेहद ही गंभीर आरोप लगे हैं। नवाब परिवार के ताल्लुक रखने वाले पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली उर्फ नवेद मियां के बेटे हमजा मियां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आजम खान ने करोड़ों का गबन किया है। सपा के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती जा रही हैं। आजम खान के पड़ोसी आरिफ रजा खान ने कहा कि आजम खान उनके घर पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसके लिए आए दिन उन्हें मारने की धमकियां दी जाती हैं। सिद्धार्थनगर जिले के विकासखंड भनवापुर में नवनियुक्त अध्यापकों का स्वागत और अटेवा संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें 28 अक्टूबर को सांसद के घर पर अनशन और 26 नवंबर को संसद भवन का घेराव करने की रणनीति बनी। सिद्धार्थनगर में आज 4 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये शातिर चोर जिले के वाहन चोरी और अन्य अपराधों को अंजाम देकर नेपाल भाग जाते थे, जिसकी वजह से इन्हें गिरफ्तार करने में पुलिस को खासी परेशानी रहती थी, लेकिन आज पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस पर झूठे मामले में निर्दोषों को फंसाने की धमकी देकर जेल भेजने के नाम पर लाखों रुपए की मांग करने के साथ अन्य आरोप लगे हैं। आज आरोप लगाते हुए बहेलिया जनजाति के सैकड़ों लोग लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और मामले में न्याय दिलाने की गुहार लगाई। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन बुधवार को राजगढ़ पहुंचे। यहां पर उन्होंने वन स्टॉप केंद्र और नारोद्य केंद्र का लोकार्पण करने के साथ ही छात्रावास का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एक बाल सभा की, जहां उन्होंने बच्चों से देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पूछे। राजगढ़ जिले के गांव कांडरा कोटरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार उनसे आवास योजना के नाम पर 10-10 हजार रुपए की मांग की जा रही है। एक दिन की राहत के बाद आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गुरुवार को एक बार फिर तेल की कीमतें बढ़ गई। दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 14 पैसों का इजाफा हुआ, वहीं डीजल की कीमतों में 12 पैसे बढ़ी हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता ठाकुर संगीत सॉन्ग की आवाज पर देर रात एक स्विफ्ट गाड़ी में सवार अज्ञात हमलावर ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद हमलावर ने एक हैंड ग्रेनेड भी घर के अंदर फेंक दिया। व्यभिचार पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पति का पत्नी पर मालिकाना हक नहीं। आईपीसी की धारा 497 को खत्म करते हुए कोर्ट ने कहा कि विवाहोत्तर संबंध अपराध नहीं है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर तैयब सरगना खुंखार आतंकी हाफिज सईद का दिल्ली में चल रहे आतंकी फंडिंग रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है और उनसे करोड़ों रुपए की देशी और विदेशी मुद्रा भी बरामद की है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, बड़गाम और नूरबाग में आज सुबह से ही सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया, इस दौरान एक सैनिक भी शहीद हो गया।